सो हे मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अदर एपिसोड ऑफ आर्क मोबाइल। तो हम वापस से खेलने जा रहे हैं भाई आर्क द मोबाइल, जो कि काफ़ी दिनों से बंद था। और भाई हाँ, मुझे भी थोड़े कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी, जैसे कि मेरे को आई कंजक्टिव या फिर आई फ्लू आता, तो उसके कारण वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही थी। लेकिन हम आ चुके हैं वापस से। थोड़ा बहुत अभी भी है दिक्कत, लेकिन हाँ, वीडियो रेगुलर आना शुरू हो जाएंगी। यानी ये क्या बकवास चीज़ मिली अपने को, जो कि कभी काम आने नहीं वाली। चलो भाई, तो आज के एपिसोड में हम जो है करने वाले हैं मेगाथीरियम को टेम, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयर है एंड इम्पॉसिबल टू फाइंड है। तो वो कैसे टेम करना है, कहाँ पे आपको मिलेगा और कैसे टेम करना है, इसकी फुल गाइड आपको मिल जाएगी। है ना, वीडियो को पूरा देखना। है ना डेड भाई, तू यहाँ पे क्या कर रहा है और ये तेरे पास क्या है? ओके, ये कोन ऑफ जो शेम, यही कैसा नाम है। तो चलो भाई, आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। एंड हाँ, उसको टेम करने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि मेगाथीरियम्स जो है वो अपने वर्ल्ड में नहीं मिलते, मतलब ओवर वर्ल्ड में नहीं मिलते, वो सिर्फ मिलते हैं डंजन में। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको डंजन में जाना होगा एंड ऐसी डंजन में जाना होगा जहाँ पे मेगाथीरियम है एंड वहाँ से आपको उसको मारना है, उसका इम्प्लांट टेकऑल करना है। ठीक है, तभी आएगा आपके इन्वेंटरी में, नहीं तो नहीं आएगा। आप डायरेक्ट ऐसे लोगे तो आपको उसको टैप करना है, बस टेकऑल कर लेना है, तो उसका इम्प्लांट आ जाएगा। एंड उसको रिवाइव करने के लिए आपको कम से कम 24 एम्बर्स की जरूरत पड़ने वाली है। एंड हाँ भाई, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो मेगाथीरियम को आपको कभी कभी टेम ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो इस वर्ल्ड में कभी स्पॉन ही नहीं होते। दिल से बुरा लगता है भाई, पता नहीं यार कौन ऐसा क्यों किया है, मतलब होना चाहिए था बाहर। लेकिन चलो भाई, कर लेते इसको भी टेम, क्योंकि आज तक मैंने कभी इसको टेम नहीं किया है। एंड वैसे तो वो प्रीफर करता है रॉ मीट या फिर प्राइम मीट, लेकिन वो प्रीफर करता है हनी भी। तो चलो भाई, हनी भी मैंने काफ़ी सारी ले रखी है सैपटैप फार्मिंग से, तो अपने को कोई दिक्कत आने नहीं वाली। हाँ, तो सबसे पहले उसकी लोकेशन बता दूँ, तो उसकी लोकेशन आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली, मतलब वो आपको मिलना है डंजन में ही, तो आपको डंजन से ही लेके आना पड़ेगा। एंड अगर आपको डंजन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे आपको सारे डंजन के मैप्स, उनमें कौन कौन से क्रिएचर है एंड हाँ, बाकी सारी लूट आपको वहाँ पे पूरी डिटेल में मिल जाएंगी। एंड आपको भाई ऑब्लिक पे भी आप जा सकते हो, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, तीन ऑब्लिक है अपने, ग्रीन लाल ब्लू, ठीक है। एंड आपको मेगाथीरियम को है जो वो ऐसे ही डायरेक्टली कहीं भी स्पॉन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको या फिर ऑब्लिक पे स्पॉन करना पड़ेगा या तो आपको वेवल प्लेटफॉर्म पे स्पॉन करना पड़ेगा। एंड वो स्पॉन से ही टेम होता है, मैं आपको पहले बता दूँ। तो चलो भाई, मैंने तो मेरा जुगाड़ कर लिया यहाँ पे, मतलब मैंने पे थोड़ा सा केस सा बना दिया है एंड यहाँ पे मैं काफ़ी सारा अच्छा मैंने चीज़ कर दी है, तो यहाँ पे मैं उसको टेम करने वाला है। सबसे पहले मैं उसके सैडल बनाता हूँ, क्योंकि इससे सैडल भाई इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, मेगाथीरियम भाई एक मतलब खतरनाक डायनो है भाई, ऐसा नहीं कि भाई वो लल्लू पल्लू ले, नहीं भाई नहीं, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा। और ये चेस्ट मैंने क्यों लगा के रखी यहाँ पे, कुछ नहीं इस चेस्ट में, वैसे तो खाली शोभा के लिए अच्छी लगती, लेकिन तो है नहीं। चलो देखते इसका सैडल कितने लेवल पर अनलॉक होता है मेगाथीरियम। चलो, इसका सैडल अनलॉक होता है भाई 52 लेवल पर, जो कि इतना कुछ हार्ड नहीं है, 52 लेवल सिंपल है, कर सकते हो। तो चलो भाई, अभी फटाफट से क्राफ्ट कर लेते हैं इसकी सैडल को, जो कि कुछ ज़्यादा मांग नहीं रही है, बस मेटल मांग रही, तो आप तो मैनेज कर ही सकते हो। ठीक है, चलो भाई, इसकी सैडल हमने बना ली है, बस इसको अभी टेम करना है। एंड कैसे टेम करना है, और भाई ये थोड़ी सी चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है इसको टेम करना, बस ट्रैप आपको चाहिए, तो कि मेरा ऑलरेडी वहाँ पे लगा हुआ है, तो आप भी ऐसा कुछ सेटअप कर लो, ठीक है, ट्रैप का। एंड मैं सोच रहा हूँ कि सूदिंग माम एक ले लूँ, क्योंकि भाई मैं उसको जल्दी टेम करना चाहता हूँ, मेरे को उसको देर नहीं लगानी है। तो हाँ भाई, आप भी देर मत करो सब्सक्राइब करने में, ठीक है, 17 के हम काफ़ी ज़्यादा करीब है, तो हाँ कर दो भाई सब्सक्राइब, थोड़े सब्सक्राइब बचे हुए, तो हाँ हो जाने चाहिए इस वीडियो में, है ना, लाइक कर देना वीडियो को अगर पसंद आए तो, ठीक है। एंड टेक सूट भी मेरा बहुत डैमेज है यार, मतलब रिपेयर करने हम गरीब है यार, आर्क मोबाइल बहुत गरीब है हम, और बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही है, सॉरी फॉर देट, कुछ नहीं कर सकता मैं, सुबह सुबह मैं ये सब कर रहा हूँ तो आवाज़ तो आनी है, ठीक है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, इतने लोग मेरे को फ़ोन क्यों कर रहे, तो थोड़ा थोड़ा कट मारना पड़ रहा है। तो चलो भाई, हम फाइनली आ तो चुके हैं यहाँ पे। एंड इसको रिवाइव करने के लिए आपको बस एम्बर की जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि आपको डेली टास्क से एम्बर थोड़े बहुत मिल जाते हैं, जहाँ तक मेरे को सीखा है, ठीक है। आर्क मोबाइल जब तक ऐड इन्होंने रिमूव किए ना, कुछ नहीं होगा है, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो 65 लेवल पे आपको रिवाइव प्लेटफॉर्म जो है वो अनलॉक हो जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूट से आपको बना बनाया हुआ मिल जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड चलो भाई, इसको इम्प्लांट डालते हैं भाई, इसको रिसरेक्ट करते। चलो भाई, इसको रिसरेक्ट करने के लिए 24 एम्बर की रिक्वायरमेंट है, 150 लेवल का, जो कि मैं डिफॉल्टी में मैक्स है। तो चलो भाई, इसको टेम करते हैं। एंड इसको टेम करने की सिंपल प्रोसेस, नॉक करो, खाना दो, टेम कर लो, वही प्रोसेस है। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी भाई, ट्रैप कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने जो है सोचा नहीं था कि ये इतना छोटा निकलेगा भाई। यार पीसी में तो ये बहुत बड़ा था, लेकिन चलो एक काम करते हैं, बेस पे जाते हैं, बड़े बड़े से ट्रैप लेके आते हैं, नहीं तो ये अपने फोड़े फोड़ देगा, ठीक है। एंड भाई, तू इधर डिस्पॉन मत होना, ठीक है, डिस्पॉन हो गया ना भाई, दिल टूट जाएगा मेरा।
एंड होपफुली मेरे पास ट्रैप पड़ा हो, शायद से तो मैं बहुत सा स्ट्रक्चर जमा करता ही रहता हूँ। ओके तो थोड़े बहुत गेट्स तो मिल चुके हैं, आई गेस अपने को जो है वो सीधी लाइन वाला ट्रैप बनाना पड़ेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। एंड सामान भी अपने पास है, लकीली अपने पास सब कुछ सामान है। एक काम करते हैं, इसको हॉट बार में रख लेते हैं, उसके बाद ही उसको करेंगे टेम। भाई मुझे सच में नहीं लगा था वो इतना मतलब छोटा हो सकता है, ठीक है मेरे को लगा था वो थोड़ा सा बड़ा होएगा, लेकिन नहीं ऐसा नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं भाई, गेम आजकल बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल है, मुझे नहीं पता इतना लैग। ओए कहाँ गया तू, ये रहा। हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल सा गेम हो गया, मतलब जो मतलब इन लोगों ने अपडेट का तो 2-3 साल हो गए, अपडेट आया ही नहीं है कोई मतलब। अरे यार ये गलत लग जाता है यार, ये बहुत ख़राब लगता है मेरे को। हाँ तो अपडेट की बात करें तो अपडेट जो है वो आने वाला है समथिंग लाइक अक्टूबर नवंबर में, ऐसा सुनने को आया है, ठीक है। मतलब आपको सिर्फ समझ आएगा कि कौन सा अपडेट क्या होने वाला है, अपडेट आने भी वाला है कि नहीं, तो उसकी डिटेल आपको नवंबर में मिल जाएगी आई गेस। अरे यार गलती कर दी मैंने, तो देखो भाई एक गलती मैंने कर दी है, जो कि आपको ये ट्रैप बनाते समय जो है आपको यहाँ पे ऐसी गैप रखनी होती जो से आप इधर से निकल सको, नहीं तो भाई वो मार देगा आपको। तो एक काम करते हैं, इसको हम डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड हो सके तो एक और बना लेते हैं, शायद से हम बना सकते होंगे। हाँ यस बना सकते, फाइनली लकीली बना सकते एक, एंड फटाफट से उसको लगाते हैं एंड भाई उसको टेम करते हैं। भाई वो बहुत परेशान करेगा अपने को वैसे तो। अरे यार क्या क्या है भाई, तुम लोग का अलग दिक्कत है, मतलब सार्को यहाँ कहाँ से स्पॉन होने लगे भाई, यहाँ पे कहाँ पे सार्को आते, मुझे तो पहली बार देखा है मैंने सार्को को यहाँ पे। एंड चलो भाई इतनी जगह काफ़ी है, मेरे को लगा मेगा थीरम में निकल जाएगा। एंड मेरे पास जो है वो दो मैंने ये गेटवे लिए, जो कि मेरे को एक यहाँ पे लगाना है एंड एक पीछे की साइड में लगाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ट्रैप में हेल्प करेगा। एंड भाई तू निकल यहाँ से यार, ये बंदे एक तो यार बहुत परेशान करते रहते पूरा दिन यार, मैं क्या करूँ समझ नहीं आता मेरे को, कहाँ गया वो भाई। आ जा भैया, तेरे को आज टेम करते हैं, क्योंकि भाई ये बंदा जो है आर्क मोबाइल में काफ़ी ज़्यादा रेयर है एक टाइप से, क्योंकि ये बाहर तो मिलता नहीं है बस डंजन में। भाई ये बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ है भाई, ये इतना तेज़ क्यों है भाई ये। कोई बात नहीं, कहाँ गया, आ जा भाई आ जा। एक तो भाई फ्रेम इतने ड्रॉप मार रहा है, इतने अच्छे डिवाइस है भी, लेकिन तो भी क्या ही कहना भाई। एक सेकंड इधर है, बाहर नहीं निकल यार, बाहर किए यार, ये बंदा नहीं सुधरेगा। इधर आ पिल्ले, तुझे मैं टेम करना है आज, मुझको इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, अच्छे बच्चे की तरह अंदर घुस जा, नहीं तो तेरे सर के दो टुकड़े कर दूंगा। ये भी ठीक है, ये सर ये डायलॉग मैं भाई माइनक्राफ्ट में विलेजर के लिए यूज़ करता था, मतलब करता हूँ, लेकिन इसके लिए यूज़ नहीं करना चाहिए था मेरे को लग रहा है। ये भाई आ जाना अंदर, क्यों परेशान कर रहा है आदमी को, एक ही तो देखो टेम करना है बस। लग जा ओ फाइनली लग गया, मुझे जाने दे क्योंकि मैं टैक्स सूट मुझे को तोड़वाना नहीं तेरे से। तो फाइनली भाई ये बंदा हो चुका है ट्रैप, टैक्स सूट की हालत लग चुके हैं एंड इसको नॉक करते हैं सिंपल, मैंने शॉकिंग डाज यूज़ करो। वैसे इसका लेवल क्या, टॉर्पर क्या है इसका, मुझे टॉर्पर देखना है इसका कितना है भाई, दिखा दे यार, छोड़ो यार टॉर्पर गया तेल लेने, इसको नॉक करो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इसकी हेल्थ अच्छी है, मतलब समथिंग लाइक कितनी है भाई तेरी हेल्थ दिखा दे, वो 5400 हेल्थ है जो कि बहुत ज़्यादा है। टेम होने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनेगा। एंड हाँ अगर आप इसके एक और फीमेल टेम करते हो एंड उसे ब्रीड करवा के इम्प्रिंटेड वाला मेगा थीरम यूज़ करते हो, तो मान लो भाई आपके पास आर्क मोबाइल का वन ऑफ द बेस्ट डायनो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गीगा से फाइट लेने चले जाओ। देखो ओ भाई, ओ भाई बातों में ये नॉक हो चुका है ये बंदा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सही है। एंड इसको अभी जो है वैसे तो हेल्थ काफ़ी अच्छी है इसकी भाई की। एंड हाँ मैंने जो है हनी बहुत सारा लेके आया हूँ, जो कि मैंने फार्मिंग से लेके आया था, एंड इसको अभी हनी देते क्योंकि ये हनी बहुत करता है, इसको देते। वैसे ये भालू थोड़ी ना जो हनी खाता है, पता नहीं क्या लॉजिक है, मीट की ज़रूरत तो है नहीं मुझे, लेकिन अब इसको फेंकना है मेरे को यार, मतलब मेरे को टेक ऑल करना है सब चीज़ें, तो डायरेक्टली मैं जो है सारे हनी मेरे इन्वेंटरी के अंदर ट्रांसफ़र कर पाऊँ, तो टेक ऑल होता है क्या, टेक ऑल कर लेते। ओके फाइनली बढ़िया है, है ना, सारे के सारे हनी इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं शायद से। हाँ सूदिंग माम दे दो पहले तो हनी के भाई, इतनी इसकी टाइमिंग देख रहे हो कितने जल्दी ख़राब होते हैं ये चीज़ें, मतलब भाई बहुत। अभी आई डोंट नो कि कितनी हनी में टेम होगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हमारे डोडोडक्स का कहना है ये कि ये 14 हनी खाएगा, जो कि 14 तो मांग रहा है लेकिन मैंने 50 ला दिए, तो आई गेस टेम तो इसमें हो जाना चाहिए। वैसे मैं कब से टैप किया जा रहा हूँ लेकिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, मैं 100 लेके आ चुका हूँ, इतना मेरे को लग रहा है काफ़ी सारे लेके आ चुका हूँ मेरे को। अब मेरे को सारा मीट भी कलेक्ट करना है यहाँ से, जो कि मैंने ग्रिफिन से फेंका था। एंड भाई ये सब काम का है, कभी कभी तो काम आता ही है भाई नार्कोटिक बनाने में, स्पॉइल मीट और ये सब, एंड इसके हेल्प पंप करने में कभी कभी मेरे को इच्छा होती है कि मैं गीगा से लड़ लूँ, है ना, इस वजह से थोड़ा ग्रिफिन मतलब मार खाता है। तो चलो भाई वेट करते हैं कि भाई ये कब तक टेम होगा, मुझे जानना है कि मतलब एक्चुअली में कब तक ये पहला निवाला खाएगा और कितने परसेंटेज होगा, मुझे जानना है सच में, क्योंकि भाई ये लोग और ये RGB ऊपर सबको होता है ना, भूल गए, ये ईरी मेगा थीरियम है जो कि भाई डंजन से ही मिलता है। अगर आपको कोई भी डायनो ईरी कन्वर्ट करना है तो मेरे चैनल पर जो है एक वीडियो है, तो आप चेकआउट कर लेना है। चलो भाई तब तक इसका वेट करते कब तक ये टेम होगा।
काफी सारा टाइम हो चुका है अब तक, लेकिन ये ओ फाइनली भाई 97% भाई। अब तो मेरा जो है डोंट एक्सप्रेस से भरोसा उड़ चुका है, क्योंकि ये बोला तो 14 खाएगा, लेकिन ये तो भाई एक में संतुष्ट हो गया, मतलब अभी तक हुआ ही नहीं, मतलब दो में संतुष्ट होगा। तो भाई काफी ज्यादा बढ़िया है भाई, आई थिंक सूदिंग वर्म यूज किया था इसीलिए मैंने। अबे साले हाँ भाई वो भी हो सकता है। तो हाँ भाई डोडोडेक्स को मारना वरना मत, वो अच्छा आदमी है, रहने दो उसको। तो लेकिन चलो भाई फाइनली अभी ये तो थोड़ी देर में हो जाएगा, तो लेट्स गो इसको टेम करते हैं, इसको टेस्ट करते हैं कि भाई ये बंदा एक्चुअली में मतलब टेम होने के बाद लिटरली ये प्रॉफिटेबल है या नहीं, मतलब ये मतलब सच में इसको हमने टेम किया और फायदा हुआ कि नहीं, क्यों ऐसे ही बस टेम कर लिया। तो ठीक है थोड़ी देर में जानते इसको टेम करने के बाद। A few moments later. तो फाइनली भाई अपना मेगाधीरम जो है वो टेम हो चुका है भाई, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा भाई ये। एंड भाई ओ टैप टू सिट डाउन, ओके इसमें ये भी फीचर इसमें ऐड किया, मेरे को लगा सिर्फ ये पीसी में होगा, लेकिन कोई नहीं एक काम करते हैं हम इसको यहाँ पे टेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे रेडवुड में वहाँ पे इसको टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि इसकी काफ़ी सारी एबिलिटीज है जो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि भाई वो बंदा उस एबिलिटी के साथ भाई तबाही मचा देता है। चलो भाई रेडवुड पास में ही है, जल्दी से पहुँच जाएंगे, इसको टेलीपोर्ट करा रख देते हैं भाई, कहाँ गए इसको रिक्वेस्ट करते। तो हाँ भाई ऐसे कोई भी डायलॉग आप रिक्वेस्ट करते तो डायरेक्टली आप टीपी हो जाते, लेकिन इन्वेंट्री के साथ नहीं। अगर आप कोई भी डायलॉग को केव के अंदर रख के टेलीपोर्ट करते हो तो हाँ वो इन्वेंट्री के साथ टेलीपोर्ट होता है, तो आसपास कोई केव है तो उधर डायनो रख दो एंड भाई डायरेक्टली इन्वेंट्री के साथ टेलीपोर्ट कर दो। तो चलो भाई ये बंदा भाई अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन मैंने इनसे पंगे ले लिए पता नहीं क्यों लिए, लेकिन ये चुलगूज है मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते। और एक आ गया चीज को मार, और एक भाई दो आ गए यहाँ पे, बताए बहुत सारे डिमोर्फोडन घूमते रहते, कार्नो भी वहाँ पे, पैरासेरियम है जो कि किसी काम के नहीं, मैंने आज तक उनको टीम ही नहीं किया है। वैसे तो टाइटन टीम करना बाकी है, लेकिन टाइटन टीम करने के लिए हाइलर टाइट बहुत टाइट होने वाली भाई, वो मैं नहीं चाहता। तो देखो भाई हाँ देखो ये बंदे है ना, इनसे इनको बफ मिलता है, तो एक काम करता है इसको भाई होने देते, मतलब हने देते उसको, और उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे फिर मजे करेंगे। भाई अब तक क्या आया नहीं भाई, क्या हो गया इसको, ओके ओके आ गया है भाई। चलो फाइनली अपना मेगाथीरियम तो आ चुका है यहाँ पे भाई, इसका जो है ओ कौन मार, अरे यार मतलब हर बार मतलब तुम लोग को बीच में ही क्यों आना है, साफ साफ दूर से भाई, दूर रहे मेरे से, दूर रहे भाई। एक तो मेरा सूट टूट चुका है, ऊपर से तुम लोग तोड़ने के लिए और आ जाते हो भाई। कारनो क्या मारना मेगाथीरियम भाई, ओ मार दिया फाइनली मार दिया। चलो भाई ये मारता भी भाई अब, चलो अच्छी बात है। तो भाई ये मेगाथीरियम है, जिसको भी नहीं पता ये मेगाथीरियम है, ये आर्क में मिलता है, पीछे मिलता है, उन्हें ऐसे करके बैठता है खाने खाने के लिए भाई। यहाँ पे कोई भंडारा नहीं चल रहा है, तो हाँ खाना यहाँ पे तेरे को मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। एंड चलो इसमें लगाते, अरे यार ये क्या है यार, मतलब तुम लोग भाई थोड़ा सा पैसिव रहो, क्योंकि तुम न्यूट्रल हो जाओगे तो कहीं उड़ जाओगे समझ नहीं आएगा। तो इसको देते हैं सैडल एंड चेन, मेटल चेन इसको पता है एक्सपी देती थोड़ी बहुत एंड थोड़ी बहुत आर्मर देती पता नहीं। एंड चलो भाई इसका डैमेज टेस्ट कर ले, डैमेज का क्या है, वैसे तो नॉकबैक देता है थोड़ा बहुत। अरे साहब कहाँ जा रहा है यार, मैं तेरे को मार रहा हूँ, तू भाई किसी और को मार रहा है, ऐसी साइकिल थोड़ी ना चलती रहेगी यहाँ पे, तू मेरे को मार, फेस टू फेस फाइट कर। ये देखो तो इसके दो डैमेज है, एक तो पंजे मारता है, एक तो मुंह से मारता है, देखो ऐसे पंजे मारता है मुंह से ऊपर करके कुछ मुंह से मारता है। तो ये देखो दोनों चीज़ हार्वेस्ट कर सकता है, आई गेस बेरीज भी हार्वेस्ट करता है, पीसी में तो करता है, मोबाइल में मुझे पता, लेकिन टेस्ट करने के लिए हम चलो देखते हैं। मीट तो हार्वेस्ट करता ही है, तो ये दोनों खाता है भाई, बेरीज भी खाता है ये, मीट भी खाता है। एंड एक और अच्छी चीज़ जो का इसके बारे में जाननी चाहिए वो है इसका बफ। तो देखो आप इनको मारोगे ना ये तितलियों को, तो ये एक बफ निकालेगा, और ये बफ से इसका डैमेज इतना ज़्यादा पंप होगा ना भाई, आप सोच नहीं सकते। मतलब अगर आपने इसको पीसी में टेम किया भाई, इम्यून के लेके गए ना भाई जी, तबाही है ये बंदा, तबाही मचा देगा। मतलब देख रहे हो टू के वाले बंदे के हेल्थ ने अब तक इसके मतलब 400 भी करते हैं, ऑलमोस्ट मार ही दिया भाई। मतलब देख रहे हो इसका पावर, देखे हो मेगा, मतलब समझ सकते हो आप कितना पावरफुल बंदा है ये। लेकिन अगर आप इसको मेट करवा के, ब्रीड करवा के, मतलब थोड़ा बहुत म्यूटेशन निकाल के करोगे ना भाई, ये बंदा ओवर पावर हो सकता है। हो सकता है क्या है ये, पहले से ही बहुत ओवर पावर बंदा है ये, और एक भी टेम कर लिया तो मतलब आप ऐसे ओपनली घूम सकते हो जंगल के अंदर। एंड इनको मारने से इसको बफ मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा चीटिंग भी कलेक्ट करता है अच्छे से, जहाँ तक मुझे पता है। एंड हाँ भाई यही इसकी एबिलिटी है जो कि इसको बफ मिलता है, कीड़ों मकोड़ों से मार के ऐसे। अरे यार गेम वापस से क्रैश हो गया, शाबाश भाई। ये चीज़ कब फिक्स होगी ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन आई होप कि वो मतलब रीसेट ना हो जाए जो जितना भी मैंने किया था। ठीक है अगर रीसेट हो गया तो भाई दिल दुख जाएगा मेरा, मत क्यों, प्लीज़ प्लीज़ होपफुली मैं वहीं पे होना चाहिए रेडवुड में। अगर मैं वहाँ पे निकला वापस से तो दिक्कत हो जाएगी थोड़ी सी। एंड मैं कहाँ पे हूँ, गया गेम, मैं खेल ही नहीं रहा, मेरे को खेलना ही नहीं है। तो गाइज एंड अरे कोई बात नहीं, लेकिन मैंने सारी की सारी एबिलिटी आपको बता दी कि मेगाथीरियम क्या करता है, कैसे टेम होता है, कैसे मतलब उसके उसके एबिलिटी क्या क्या कर सकता है, सारा चीज़ मैं आपको बता चुका ऑलरेडी। एंड हाँ भाई डोडो क्या कर रहा है यहाँ पे। एंड चलो भाई फाइनली आज का एपिसोड को मतलब एंड करते हैं ना, फाइनली टेम भी हो चुके हैं वापस से एक और बार। चल भाई तू बाहर निकल, तेरे को मैं तो बाहर निकालूंगा पहले, आ जा भाई तू आ जा। एक काम करते हो सैडल, अरे सैडल दे दो इसको, अरे सैडल दे दो इसको, मैं भूल जाता हूँ हमेशा, पता है
चलो भाई तू बाहर निकलेगा ठीक है। एंड फाइनली अपना मेगाथेरियम वापस एक बार मुझ चुका, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। एनी से बफ नहीं मिलता डूडू को मारने से, कुछ नहीं मिलता इसमें है ना गाइज। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा मेगाथेरियम के बारे में, इसको कैसे टेम करते हैं एंड क्या क्या इसके एबिलिटी है। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया थेरी जूनो का भाई है, इसके भी हाथ में थोड़े से नाखून है तो हाँ ऐसे बैठता ही है एंड काफ़ी सारा चीज़ें कर सकता है। तो हाँ भाई ये अच्छा डायनो है, मैं मतलब आपको टेम करना चाहिए, एक तो करना चाहिए। तो चलो गाइज होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा, मेक श्योर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, 17 के बहुत पास है हम एंड हाँ मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में शायद से हम कुछ अच्छा करें, मतलब शायद से मैं टाइटन टीम करूँ, तो हाँ कमेंट में ज़रूर से बताना। हाँ हाँ मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड गुड बाय।